Hello everyone, welcome to this lecture series on applied fluid mechanics. This is part 4 of lecture 2. I am Amit R Chauhan, welcome you all. Let us see one more numerical based on Buckingham pi theorem. हमने last lecture में एक numerical देख लिया था based on Buckingham pi theorem. यहाँ पे हम एक और numerical देख लेंगे, ठीक है? The pressure difference del P in a pipe of diameter D and length L due to turbulent flow depends on the velocity V, viscosity mu, density rho and roughness K. ठीक है, using Buckingham's pi theorem obtain an expression for del P. ठीक है, एक question दिया गया है जिसके अंदर del P जो आपका change in pressure है is a function of D, L, V, mu, rho and K, जिसे हम according to Buckingham pi theorem लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस वे में, डेल पी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डी एल वी म्यू रो एंड के. ठीक है, जिसे हम और रिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम के एफ वन इज अ फंक्शन ऑफ डेल पी डी एल वी म्यू रो एंड के विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके 7 है. ठीक है, राइटिंग डायमेंशन ऑफ ईच वेरिएबल. अब हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे. तो डेल पी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम एल एस टू माइनस वन और टी रेस टू माइनस टू. इन द सेम वे हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ों के भी लिख लेंगे. तो डी का है एल, ठीक है, एल का एल है, वेलोसिटी का एल रेस टू टी रेस टू माइनस वन, विस्कोसिटी का क्या है आपका एम एल एस टू माइनस वन टी रेस टू माइनस वन. इन द सेम वे डेंसिटी का क्या है, एम एल एस टू माइनस थ्री, और रफनेस कोफिशिएंट का क्या है एल. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन हमारे पास कितने हैं, 3 है, जिससे हमें नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएगा. नंबर ऑफ आइटम्स का फॉर्मूला क्या है, एन माइनस एम. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 माइनस थ्री विच इज इक्वल्स टू 4. मतलब ये क्वेश्चन के अंदर आइटम्स होंगे हमारे 4, पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंड पाई 4. नॉर्मली क्या हो रहा था, अभी तक पाई 1, पाई 2 और पाई 3 टर्म्स आ रहे थे, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे हम लिख सकते हैं एफ वन इज अ फंक्शन ऑफ पाई वन पाई टू पाई थ्री एंड पाई फोर विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम. ठीक है, अब हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी 3 है, जिससे होगा कि हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स 3 होंगे. उसके बाद हम एक नॉन रिपीटिंग वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो ईच पाई टर्म कंटेन्स एम प्लस वन और 3 प्लस वन इक्वल्स टू 4 वेरिएबल्स. आउट ऑफ 4 वेरिएबल्स देर आर रिपीटिंग वेरिएबल्स, चूजिंग डी वी एंड रो एज द रिपीटिंग वेरिएबल वी हैव द 4 पाइटम एज. जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक पाइटम के अंदर 3 डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक ज्योमेट्री होनी चाहिए आपके वेरिएबल में, दूसरा फ्लूइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए और तीसरा आपके फोर्स इफेक्ट्स होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर लिया गया डी डायमीटर, वी वेलोसिटी और रो डेंसिटी को लिया गया. ठीक है, जिससे आपके 4 पाइटम्स हो गए, जिसके अंदर पाई वन आपका डी रेस टू ए वन, डी रेस टू ए वन, ठीक है, वी रेस टू बी वन, रो रेस टू सी वन इंटू डेल पी. इन द सेम वे पाई टू है आपका डी रेस टू ए टू, वी रेस टू बी टू, रो रेस टू सी टू इंटू एल. पाई थ्री आपका डी रेस टू ए थ्री, वी रेस टू बी थ्री, रो रेस टू सी थ्री इंटू म्यू. इन द सेम वे पाई फोर है आपका डी रेस टू ए फोर, वी रेस टू बी फोर, रो रेस टू सी फोर एंड इंटू के. ठीक है, अब हम ये पाइटम्स को सॉल्व करके देखेंगे. तो फर्स्ट पाइटम है हमारा, उसे हम देख लेते हैं. अब फर्स्ट पाइटम्स के जो डायमेंशनल फार्मूला वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे. पाई वन हमारा डायमेंशनलेस है, इसके लिए एम जीरो एल जीरो टी जीरो होगा. एल का डी का डायमेंशनल फार्मूला है एल, तो एल एस टू ए वन हो गया. वेलोसिटी का है हमारा एल रेस टू टी रेस टू, एल इंटू टी रेस टू माइनस वन, रेस टू बी वन हो जाएगा. इन द सेम वे आप डेंसिटी को देख सकते हैं, एम एल रेस टू माइनस थ्री, रेस टू सी वन हो जाएगा. और इसी तरीके से हम प्रेशर का भी लिख सकते हैं, एम एल रेस टू माइनस वन टी रेस टू माइनस टू. अब जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला उनको इक्वेट करना है एल एच एस और आर एच एस से. जो हमारा ये सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, तो एम का डायमेंशन फार्मूला एल एच एस में ज़ीरो है, जो नॉर्मली होता है हमेशा, और आर एच एस में कितना है सी वन प्लस वन, जिससे हमें क्या मिल रहा है सी वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन. इन द सेम वे एल का डायमेंशनल फार्मूला
हमने यहाँ पे पुट अप किया है, जब आर एच एस में कितना है, ए वन है प्लस बी वन है माइनस ऑफ थ्री सी वन है माइनस वन, जिससे हमें ए वन इक्वल्स टू ज़ीरो मिल रहा है। इन द सेम वे टी के पावर्स हमने इक्वेट किए, जिससे हमें मिला जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी वन माइनस टू, जिससे हमें बी वन की वैल्यू वैल्यू मिल रही है माइनस ऑफ टू। ठीक है, अब जो हमारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू आ गए आपके ए वन बी वन सी वन, उसे हमें इक्वेशन में पुट अप कर देना है। तो पाई वन इज इक्वल्स टू डी रेस टू ज़ीरो वी रेस टू माइनस टू रो रेस टू माइनस वन इन टू डेल पी हो गया। अब जितने भी हमारे नेगेटिव कॉन्स्टेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो जिससे हमारा पाई वन क्या हो गया, डेल पी अपॉन रो वी स्क्वायर। इसी तरीके से हम देख लेते हैं हमारे पाई टू को। ठीक है, पाई टू टर्म को, तो पाई टू के हमने डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे पुट अप कर दिए, एम जीरो एल जीरो टी जीरो इज इक्वल्स टू एल रेस टू ए टू इन टू एल रेस टू टी रेस टू माइनस वन रेस टू बी टू। ठीक है, और इन द सेम वे हमने डेंसिटी और एल के भी डायमेंशनल फार्मूला लिख दिए, जिससे क्या हुआ हमारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू हमको मिल गए, सी टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एल की वैल्यू हमने पुट अप की जिससे हमारा एल एच एस में ज़ीरो था, आर एच एस में कितना है हमारा, यहाँ पे ए टू है यहाँ पे बी टू है यहाँ पे माइनस ऑफ थ्री टाइम्स सी टू है और यहाँ पे वन है, जिससे हमारा ए टू का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ वन। इन द सेम वे टी के पावर्स कितने हैं, खाली माइनस ऑफ बी टू है, जिससे बी टू का वैल्यू ज़ीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें ये आर्बिट्री पावर्स ए टू बी टू सी टू को पाई टू के इक्वेशन में पुटअप करना है, जो यहाँ पे दिया गया है देख लेते हैं हम। देयरफॉर पाई टू इज इक्वल्स टू डी रेस टू माइनस वन इंटू वी रेस टू ज़ीरो रो रेस टू ज़ीरो इंटू एल, जिससे हमारा पाई टू क्या हो गया, एल अपॉन डी। ठीक है, इन द सेम वे हम पाई थ्री भी देख लेते हैं। पाई थ्री भी सिंपल है, सब में ऑलमोस्ट सारे जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला तो सेम रहते हैं, जो खाली आपका नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स है उसके डायमेंशनल फार्मूला को आपको एडअप करते जाना है। यहाँ पे हमारा नॉन रिपीटिंग वेरिएबल म्यू है, तो म्यू का वैल्यू हमने लिख लिया है एम एल एस टू माइनस वन टी एस टू माइनस वन, बाकी का सब कुछ सेम है। हमने इक्वेट किया तो इक्वेट करके हमको क्या हुआ, सी थ्री का वैल्यू माइनस ऑफ वन मिला। मैं सबका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर हम सबका बताना चाहेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत टाइम ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एल का देख लेते हैं। एल यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ए थ्री है, यहाँ पे बी थ्री है, माइनस ऑफ थ्री टाइम सी थ्री है और माइनस ऑफ वन है, जिससे हमारा ए थ्री का वैल्यू कितना, माइनस वन आ गया और बी थ्री का वैल्यू आ रहा है हमारा माइनस वन। ठीक है, जिससे हमारा पाई थ्री का इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है, पाई थ्री इज इक्वल्स टू डी रेस टू माइनस वन वी रेस टू माइनस वन रो रेस टू माइनस वन इन टू म्यू, और जितने भी नेगेटिव वैल्यूज थे वो नीचे आ गए, इसके लिए म्यू अपॉन डी वी रो आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम फोर्थ पाई टर्म देख लेते हैं। पाई फोर क्या है हमारा, पाई फोर ये है जिसके अंदर के, खाली के ऐड हो रहा है जो आपका रफनेस कोफिशेंट है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला एल है, जिससे आपका सी फोर का वैल्यू ज़ीरो आ गया, आपका ए फोर का वैल्यू माइनस वन आ गया और बी फोर का वैल्यू ज़ीरो आ गया। ठीक है, जिससे हमारा पाई फोर क्या बन रहा है, पाई फोर इज इक्वल्स टू डी रेस टू माइनस वन वी रेस टू ज़ीरो रो रेस टू ज़ीरो इंटू के, जिससे हमारा पाई फोर का वैल्यू होता है के अपॉन डी। अब जैसा हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था कि हमारा एफ वन इज़ अ फंक्शन ऑफ पाई वन पाई टू पाई थ्री एंड पाई फोर विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया है, जिससे हमने क्या किया कि जितने भी हमारे पाई वन का वैल्यू आया था डेल पी अपॉन रो वी स्क्वायर, पाई टू का वैल्यू आया था एल अपॉन डी, पाई थ्री का वैल्यू आया था म्यू अपॉन डी वी रो और पाई फोर का वैल्यू आया था आपका के अपॉन डी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये टर्म को जो हमारा फर्स्ट पाई टर्म था उसको बाकी के पाई टर्म्स के साथ कोरिलेट किया। कोरिलेट करने के लिए हमने एक हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू फाई लिया है, तो क्या हो गया हमारा पाई वन इज इक्वल्स टू फाई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ पाई टू पाई थ्री पाई फोर। ठीक है, और हमारा लास्ट इक्वेशन क्या आ रहा है, डेल पी अपॉन रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एल अपॉन डी कॉमा रो म्यू अपॉन डी वी रो
कॉमा के अपॉन डी। ठीक है, थैंक यू।